क्या खबर नया ताजा कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ खास चल रहा है? कल का प्रोग्राम कैसा रहा? कल विनोद जोशी जी आए थे, याद है? नहीं है? याद है सर। हाँ, तो क्या रहा कल के प्रोग्राम में? कुछ वो बातचीत उनसे हुआ, कुछ डिस्कशन उनसे हुआ, तो कैसा लगा आपको? क्या समझ आया, क्या नहीं आया? सर अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा कैसा लगा। फील हुआ रात वाले प्रोग्राम कैसा बहुत था? हाँ अच्छा, जी, बहुत अच्छा फील हुआ सर। वो छोटे छोटे काम के लिए ब्रांच में जाना पड़ता था, और छोटे छोटे काम के लिए ब्रांच में जाके लाइन में लगा लो, उन्होंने अपना काम निकालना होता था। उससे अच्छा कस्टमर को वहीं वहीं बता दो तो अच्छा रहेगा, सेटिस्फाइड भी रहेगा, इफेक्ट भी रहेगा। जैसे आपने कस्टमर को बोला सर मेरा पॉलिसी बहुत नंबर देख के बताइएगा, आप 2 दिन में जाओगे हाँ ब्रांच में, 2 दिन में गए, 3 दिन में गए, जी तो उसका पता करके आओगे, तब तक उसका मूड चेंज हो जाएगा। उसे आप वहीं वहीं बता दो, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपसे जल्दी ले लेगा। उसे इसके पास ही सब कुछ चाहिए ठीक बता बात देगा, है जी। तो सर बहुत मतलब पॉलिसी बिकने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पास इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए, सभी चीजें हमारे पास तुरंत उसी समय अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही है आपकी। और इसके अलावा और सर कल जो उनका प्रोग्राम हुआ था ना रावत जी का, उधर अटेंड किया हाँ, था। वो प्रोग्राम करीबन 4:30 बजे स्टार्ट हुआ था, रात के 9:30 बजे तक चला, करीबन चार अरे साढ़े चार वाह घंटे क्या बात है, सर 11 मिनट अच्छा का उसमें वो बढ़िया था। है। हाँ, अच्छा बड़ा अच्छा सर शानदार प्लान समझाया उन्होंने, मतलब कई प्लान अच्छा समझाए, एक अच्छा सौ का अच्छा तड़का भी समझाया, और बाकी वो सात अच्छा सितारा भी समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, पीडीएफ फाइल बना के। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत हाँ काफी लोग थे अच्छा सर क्या क्या उसमें, था, क्या क्या उसमें? हाँ जी काफी लोग थे सर उसमें, करीबन 50-50 के आसपास लोग थे। वो भी कोई गुजरात से, कोई अहमदाबाद से, कोई मुंबई से, मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां से लोगों ने उन्होंने कनेक्ट नहीं किया हो। अरे वाह क्या बात है बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और और सर उन्होंने बहुत मतलब जैसे बढ़िया समझाया, बोला अपनी पॉकेट में हमेशा डायरी रखो, हमेशा डायरी रखो, हाँ हमेशा पेन रखो पॉकेट में, कहीं भी जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उसका नंबर तो लिखा ही होता है हाँ ना, बोर्ड पर तो लिखा ही होता है, लिख ठीक लो बात वहां से है, नंबर लिख के आके, बस शाम को मैसेज ठीक आना चाहिए उसको। बात और जब तक मैसेज आना चाहिए तब तक है वो ये सोचे, एक दिन मैसेज ना जाए वो सोचे अरे आज तो मैसेज ही नहीं आया, मतलब उसे मैसेज जाना हाँ चाहिए। और एक मतलब अपना हाँ ब्रॉडकास्ट, मतलब ब्रॉडकास्ट कर लीजिएगा जिसमें नंबर सेव कर लीजिएगा, जैसे आपको करना है ठीक P1 के नाम से, सारे कर लीजिएगा, एक साथ 50, 60, 70 जो भी जितने भी होते हैं एक साथ इशारों को मैसेज जाना चाहिए। बोले ठीक है अगर आप मार्केट में शेयर करोगे, मार्केट में इंटरफेयर करोगे तभी बेच पाओगे ब्रांड, खुद आके दरवाजा कोई नहीं खटखटाएगा, भाई साहब हमारा हमें पॉलिसी दे दो, कोई नहीं लेगा। अगर बोला अभी इसे मेहनत करोगे फरवरी के ठीक महीने में, अगर मेहनत करोगे फरवरी के महीने में अपॉइंटमेंट ले लोगे तो पक्का है मार्च में आपका सेल होने वाला जी है। बहुत बढ़िया, अच्छा समझाया उन्होंने, अच्छा ठीक है, तो आपने अच्छा तो लगा नोट कर सर, लिया बहुत होगा अच्छा। सारी की सारी बातें, आपने तो नोट, जी हाँ सर, आपने तो सारा नोट नोट कर किया लिया मैंने। होगा हाँ उसमें से आपने जी। बोला था सर डायरी अच्छा पेन लेके बैठना, जी मैं डायरी पेन लेके बैठा तसल्ली हाँ से सर, रूम में बंद करके, एकदम जी, कोई नहीं था वहाँ, सिर्फ मैं ही था और पेन बढ़िया कॉपी मेरे हाथ में बढ़िया था, जैसे जैसे उन्होंने बोला सारा नोट किया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे पास डायरी और पेन तो एक ऐसी चीज है कि 2400 घंटे हमारे पास होनी चाहिए, 2400 घंटे हमारे पास डायरी पेन, क्योंकि क्या होता है इंसान के दिमाग में ना, कब कब कौन कौन से धुआंधार धांसू आइडिया आते रहते हैं पता नहीं चलता है, तो डायरी और पेन तो 24 घंटे होना जरूरी है। और प्रोग्राम्स तो जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का तो फायदा ही है कि वहां पर स्पेशली वो जो भी ट्रेनर आते हैं तैयारियां करके आते हैं ढेर सारी, तो वहां पर तो सर उनके डेफिनेटली प्लान डायरी और वो पेन की थे, लगातार जरूरत पड़े। जी सर उनके प्लान वो कैलकुलेट थे, उनके प्लान जो पीडीएफ फाइल में उन्होंने बना रखे थे वो जी मतलब हर कोई नहीं बना सकता, एजेंट तो बना ही नहीं सकता, अच्छा डीओ की हेल्प से अच्छा बना ले तो बना अच्छा ले, अलग बात है, वो बना ही नहीं सकता क्योंकि सर उसमें काफी प्लान मिक्स थे, 936 था, अच्छा 935 था, 925 था, 920 था, सारा रिटर्न था उसमें, 16 साल में 16 लाख लो, 21 लाख में 21 लाख लो, 25 साल में 25 लाख लो, लास्ट में 35 साल में 35 लाख लो, लास्ट में जाके जीवन भर का बीमा 26 लाख लो, क्योंकि उसमें सारे प्लान मिक्स थे सर। उन्होंने वापसी के लिए, रिटर्न के लिए 920 दे दिया, ठीक है, एक साथ इकट्ठा पैसे पैसे लेने के लिए 914 दे दिया, ठीक है, ठीक है लाइफ टाइम के लिए उन्होंने पेंशन देने के लिए अपना जीवन तरुण दे सॉरी वो दे दिया, जीवन जी, उमंग दे दिया, तो सर सारे प्लान मिक्स थे उनके पास। सर अगर बहुत कैलकुलेट बढ़िया लगाने बैठेंगे तो कैलकुलेट लगा ही नहीं सकता सर।
ठीक है, तो ये और सर सारे के सारे देखिए प्लान आपको आसानी। अच्छा सर, ये जी बात तो पक्का है सर। देखो अलग से कुछ बेचोगे तो बिकेगा मार्केट में, तो बात नहीं नहीं बिकेगा। और सेम करेक्ट प्लान सबके पास, करेक्ट वो तो एलआईसी के सारे परफेक्ट ब्रांड, हाँ एलआईसी के पास सबके जी पास ब्रांड है सर। सबके पास 936 है, सबके पास 914 है, सबके पास वही ब्रांड है जो हम जी बेचना जी चाह रहे हैं। तो सर वो बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल अलग से कुछ बेचोगे कस्टमर को आपको फायदा लगेगा ना, तो आपसे रिबेट की बात करेगा, वो आपको 4 बार कॉल करके वो आपको बुलाएगा, या कस्टमर को लगता है कि हाँ मेरा फायदा सोच रहा है, तो पक्का पक्का बिकने वाला है अपना, आज नहीं तो कल श्योर रिजल्ट आने वाला है सर। जी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ डिफरेंट हाँ रहेगा होना तभी चाहिए वो सर। चीज बिक पाएगी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। तो वहां पर जो भी प्लान समझाए गए थे वो सारे के सारे आसानी से आपको समझ आ पाए, पूरी तरीके से कैसे मिक्सिंग करना है, क्या सम अश्योर्ड और कैसे वो ऑप्शंस वगैरह सेटलमेंट, ये सब आपको आसानी से उसको क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया सर, उन्होंने बड़े आसानी से आपने सरल वो भाषा में सारे, समझाए। ठीक है हाँ सर मैं सारे तो नोट आपने करे वो हैं। सारे के सारे, अच्छा तो कॉम्बिनेशन वो सारे के सारे आपने कैलकुलेशन करके देखा कि ये सारे के सारे ये जो कैलकुलेशन बताए गए हैं वो सारे उस तरीके से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सर जैसे कैलकुलेट था उनका, वैसे मैंने भी मेंशन करी है, अभी मैंने सर उसको मेंशन करके देखा नहीं, अब मैं जाके अब फ्री बैठूंगा तो मेंशन करके देखूंगा, सारे देखूंगा, समय शॉर्ट का सेम आ जी रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन सर जहां तक है वो सेम जी ही आएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़िया। वाली एक जो बारी ट्रेंड ट्राई हो दो करके चार जरूर रुपए का। देखिए, जी सर जी एक बारी ट्राई करके जरूर देखिए कि किस तरीके से जो जो जिस तरीके से उन्होंने बनाया है तो उस तरीके से वो रियल में जब हम कस्टमर के सामने बैठे तो वो ठीक से उस तरीके से वहां पर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बारी उसको अच्छे से ट्राई करके देख लें, समझ के देख लें एक बारी उसको। सो दैट्स वेरी गुड, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपका शनिवार जो है, सेकंड सैटरडे एलआईसी ऑफिस की तो छुट्टी है, लेकिन बहुत सारी जगह लोग घर पे अवेलेबल होते हैं या तो दफ्तरों में। आज का जो सेकंड सैटरडे है, मुझे लगता है आपके ऑफिस की भी छुट्टी होगी आज। जी सर, जी सर बढ़िया, सो आज का दिन का इस्तेमाल करें, आज का ढेर सारी मीटिंग रखें, नए नए लोगों को मुलाकात करें और आज का आपकी सेल हो, मैं यही चाहता हूँ, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। और जी सर आज हम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं मिस्टर नितिन कुमार, नितिन कुमार जी जो हैं जैदी कॉरपोरेशन काजिम रजा जी के साथ सालों से हैं, और इसके अलावा लगातार हमारी टीम में अलग अलग साथी हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, लगातार उनकी मुलाकात होती रहती है और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताते रहते हैं कौन कौन से अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। और हमारी टीम के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के काजिम भाई के प्रोग्राम इवन ऑनलाइन भी अटेंड किए हैं, जो अभी जैसे लॉकडाउन था तो अभी लॉकडाउन तो इंडिया में तो मेरे ख्याल से 99% लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है। तो जब लॉकडाउन खत्म ही हो चुका है तो धीरे धीरे सब कुछ फिजिकल सब कुछ रियल में हो ही रहा है, तो इसी वजह से इनका काजिम रजा का रजा जी का भी जो प्रोग्राम अवेलेबल है, पहले तो ऑनलाइन अवेलेबल होता था, अब ऑनलाइन अवेलेबल होने के बाद अब ये वाला प्रोग्राम जो है अब ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो ऑफलाइन में अब इनका ये जीत का तैयारी जीत की ये वाला नाम से, मेरे ख्याल से शायद ये वाला आपने देखा होगा, ये वाला जो जो लीफलेट है शायद मेरे ख्याल से आपके पास आया होगा, आपने देखा है ये वाला लीफलेट, ये देखने को मिला आपको? नहीं नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पर? आ रहा ओके है, आ रहा नॉट ए है। प्रॉब्लम, अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया। तो ये वाला जो लीफलेट है इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल दे रखा है, कैसे कैसे इसके अंदर ये वाला जो प्रोग्राम है कब कब होगा कैसे कैसे होगा। तो मैं कल नितिन जी आए हुए थे ऑफिस में, तो भी लोगों को इनवाइट उन्होंने किया है कि भाई ठीक है ये वाला प्रोग्राम आप ज्वाइन करें, तो विनीता जी ने टिकट भी आपके लिए एडवांस में लेके रख लिया है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, कासिम जी का प्रोग्राम करना चाहिए और बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है, अच्छे प्रोग्राम रहते हैं काजिम भाई के, बढ़िया प्रोग्राम रहते हैं, सभी को करना चाहिए, हमारी टीम के सभी साथियों को करना चाहिए। और मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगा हमारे यहाँ पर हैं ताली नितिन जी, वेलकम, थोड़ा सा बताएं प्रोग्राम के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर बोलिए बोलिए। गुड हाँ मॉर्निंग जी, सर, आपकी गुड आवाज बढ़िया आ रही है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हेलो सर, मेरी जी आवाज सर, आ रही है ना सर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड हाँ मॉर्निंग फॉर एवरीवन सर। जी, तो सर आज जैसे अभी सर ने बताया क्या, 2 मार्च को काजिम सर का एक सेमिनार हो रहा है,
हेलो दो मार्च को एक ट्यूसडे है, तो एक काजिम सर का सेमिनार हो रहा है आईटीओ पे, आईटीओ ये प्यारे लाल ऑडिटोरियम में हो रहा है। हेलो जी सर आ अरे ये जाएगा ना सर, आवाज बोलिए आ रही बोलिए है, आप। आ रही है सर? जी सर जी बिल्कुल सर सर आवाज तो आ उसके रही सर है। अभी हमने ये जो रखा है इसका जो टाइमिंग रहेगा ये 10 से 2 रहेगा, ठीक है? तो मेरा रिकमेंड ये है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अटेंड करें काजिम सर का प्रोग्राम। जैसे सर ये अभी आपने बताया कि जो 936 ये 933 तो सभी लोग लेके बैठे हैं, लेकिन जो कुछ नया मिल रहा है, जो आप कॉन्सेप्ट सेलिंग इसको बोलते हैं काजिम सर की, उसमें क्या कॉन्सेप्ट सेलिंग, क्या आलू तो सब लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन वही आलू जो अंकल चिप्स बन के बिकता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो वही है, आप आएंगे नया नया प्लान सीखेंगे। मोस्टली क्या रखा है, ये हमारे 3 प्लान के ऊपर रखा है, ये जीवन उमंग के ऊपर रखा है, जीवन लाभ के ऊपर रखा है, और जीवन लक्ष्य के ऊपर। जो भी आप आएंगे इसको अटेंड करेंगे तो इसमें आप बहुत ही इजीली सेल कर सकते हो उन प्लानों को, और बहुत ही इसमें नए नए फीचर्स मिलेंगे आपको जानने के लिए, क्योंकि तो आप इसको जाएंगे कस्टमर को बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपको एक यूनिक आप समझा यूनिक टाइप में अब जाके। क्या सर ये हमारे पास जैसे एक हमने बनाया हुआ सर कन्यादान भी बनाया हुआ था, और एक हमने 3G प्लान भी बनाया हुआ है, तो आप आएंगे तो उसको सीखेंगे और अच्छा आप सेल कर सकते हो सर। तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट हो रहा है, मोस्टली ये हम साल 1.5 साल में एक बार करते हैं सर ये इवेंट। तो आप आइए एक बार सुनिए कादिम सर को, और मैं सर ये गारंटी बोलता हूँ, एक बार आप सुनेंगे अच्छे से तो बहुत ही शानदार आप लोगों का रिजल्ट आएगा, आपका बिजनेस काफी बढ़ेगा। तो काफी अच्छा इवेंट है सर ये, मैं सर को भी मेरी बात हुई थी सर से भी, तो सर ने बोला नितिन ठीक है मेरे लोग टीम से आएंगे, लेकिन आप भी बोलो तो ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए मेरी टीम से। तो मेरा भी यही रिकमेंड है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, इवेंट अटेंड करिए। ऐसा इवेंट है सर वहाँ पे करीबन 650 लोग रहेंगे, तो वहाँ पे आप बैठ के इवेंट अटेंड करेंगे, एक अलग ही मोटिवेशनल आपके अंदर आएगा, और एक काजिम सर जो बताएंगे, मैं कह रहा हूँ सर मैं गारंटी बोलता हूँ, एक अलग ही माहौल होगा, और जब आप निकलेंगे वहां से तो पूरी वाइब ही चेंज हो जाएगी आप लोगों की, इतनी वाइब पॉजिटिव वाइब हो जाएगी, आप बस कस्टमर ढूंढोगे सर, कस्टमर ढूंढोगे कहाँ कस्टमर मिले, कहाँ पॉलिसी सेल कर दे, ये वाइब रहेगी सर, ये मैं गारंटी बोलता हूँ सर। तो मेरा यही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइए, सर की टीम से मैं चाह रहा हूँ काफी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस बार, और काफी अच्छा बिजनेस रहे, इसी पर्पस पे मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरा ये आप लोगों से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आके अटेंड करें, मैंने टिकट सर को दे दिया है। बहुत बढ़िया बताया आपने जी, हाँ जी, तो सर ये मैंने टिकट आपको दे दिया सर, और आप लोग सर से कलेक्ट कर टिकट अपने, और सर मेरे को बोले आप लोग का इतना रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या आप लोग सर को, सर मुझे बोले नितिन मेरे पास और टिकट देके जाओ आप, तो आप प्लीज आइए उसमें और अच्छे से अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए और कीप ग्रोइंग। बढ़िया नितिन जी, बढ़िया आपने बताया। हमारे पास इस समय यहाँ पर प्रोग्राम में नरेंद्र पाल जी अवेलेबल हैं, मनीष कुमार कंबोज जी अवेलेबल हैं, देशराज कपूर जी अवेलेबल हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम पहले काजिम भाई का अटेंड किया है अलग अलग तरीके से। बाकियों का मेरे को नहीं ध्यान है कि बाकी हरिराम जी ने या तो रविराज जी ने या तो सुदामा जी ने अटेंड किया है कि नहीं किया है, तो कोई साथी बताना चाहेंगे आपका अभी एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, जो लास्ट प्रोग्राम जो भी आपने काजिम भाई का अटेंड किया था, मनीष जी आप बताना चाहेंगे, आप मॉर्निंग वॉक में हैं लेकिन मॉर्निंग वॉक में भी थोड़ा सा आप यदि बताना चाहेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आपका माइक मनीष जी थोड़ा सा ऑन करेंगे ना, तो उसको अनम्यूट करेंगे तो यस आपका माइक चल पाएगा। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? वेलकम। तो हाँ जी सर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ सर, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगा, और मैं तो हर एक को बोलूंगा करने को। और लॉकडाउन में भी मैं भी किया, मैंने पहले भी किया, और जब जब भी किया बहुत ही उससे कई गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होके वापस आया मेरे पास।
रिटर्न। अरे वाह क्या बात, मैंने इन्वेस्ट किया। अरे वाह और एक जो काजिन सर की वजह से भी की थी मेरी सबसे पहली जो सबसे बड़ी सेल हुई थी वो उनकी वजह से हुई थी जो तीन करोड़। अच्छा अरे वाह क्या बात, फिर तो रेगुलर जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। अच्छा उन्हीं का कांसेप्ट यूज कर रही हूं और सर इनका फोकस कांसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए इनोवेटिव तरीके से कैसे सेल करें। और इनका तो मुझे बहुत ही ज्यादा लगता है हाईएस्ट सबसे सुपर का ही लगता है सर क्लास। अरे वाह। और अभी जो करने को है एक और बैच आने वो है उसमें भी करना है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी आज शायद वो दूर हो जाए, आज ही वो भी ज्वाइन हो जाए। जी 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 बढ़िया। यस सर ठीक है मनीष जी, बहुत अच्छा आपने बताया। कौन कौन साथी हैं जिनको लगता है कि हाँ प्रोग्राम टिकट वगैरह आप में से टिकटें, वैसे मेरे पास कल नितिन जी आए थे तो टिकट मेरे को देख गए थे, 500 रुपीस का टिकट है ये वाला प्रोग्राम इनका, 2 मार्च को अवेलेबल है ये वाला, 2 मार्च को है पैरेलल भवन में। तो आप में से कौन कौन साथी हैं जो टिकटें लेना चाहते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम को अटेंड करना है, टिकट लेना है? एक तो मेरा है सर। किसको किसको आप बोल सकते हैं अपना? हाँ जी एक तो मेरा है सर। सर एक है तो आप टिकट विनीता से ले लीजिएगा। हाँ जी तो आप ऐसा कर सकते हैं जो इसका 500 का जो अमाउंट है या तो आप इनको नितिन जी को आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये नितिन जी का नंबर मेरे ख्याल से शायद यही वाला है ना, तो या तो आप नितिन जी को अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए इनका। ये नितिन जी आपका कैसे ट्रांसफर कैसे करना है, पेटीएम करना है क्या करना है? सर पेटीएम कर सकते हो सर, ये नंबर सर मेरा पेटीएम पे अवेलेबल है और मुझसे बात कर लेंगे, मैं अपना वो भी मैं उनको। हाँ तो या तो आप नितिन जी को कर दीजिए ठीक है, या तो आप नितिन जी को ट्रांसफर कर सकते हैं या तो आप मुझे कर सकते हैं, या तो कैश आपको करना है तो आप विनीता को कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे तो आप ये वाला प्रोग्राम अटेंड करिए, आपको पावरफुल शानदार बढ़िया प्रोग्राम। मेरा भी टिकट लगे मार्च और मैं चाहता हूं सर आप या तो टिकट है जी तो 2 मार्च का है ये, अपनी टीम से सब आए सर मैं चाहता हूं, सभी को आना चाहिए डेफिनेटली ये। अरे वाह क्या बात है, बढ़िया मनीष जी। तो जाएंगे तो भाई देखो 500 रुपए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम वहां जाएं, वहां से सीखें, हम ढेर सारी नई बातें सीख के आए। सुबह 10 बजे से 2 बजे का प्रोग्राम है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में पैरेलल भवन है, मैंने पहले भी वहां पर अलग अलग प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत ही शानदार जगह है। काजिम भाई के भी प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग ढेरों जगह पर अटेंड कर चुका हूं, मुझे भी बहुत ही शानदार लगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आसान तरीके से काजिम भाई बताते हैं। LIC के साथ में कम से कम मेरे को लगता है 17-18 साल से जुड़े हुए हैं, लगातार पिछले 17-18 सालों से लगातार मैं उनको अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रोग्राम्स में देखता आ रहा हूं और वो पूरी तरह से डिवोटेड हैं ऑल ओवर इंडिया की भला के लिए, उनके फायदे के लिए नए नए प्रोग्राम डिजाइन करते रहते हैं। और कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे या तो ज्वाइन करना चाहेंगे या तो टिकट की जरूरत है? हाँ सर जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, मेरा भी टिकट बुक कर दीजिए। हाँ आप ले तो या तो आप 500 जो है या तो नितिन जी के नंबर पे ट्रांसफर कर दीजिए। नितिन जी अपना चैट में आप नंबर जरूर भेज दीजिएगा और या तो फिर 500 आप इसमें नितिन जी को ट्रांसफर कर दीजिए या तो फिर आप मुझे कर दीजिए या तो फिर आप विनीता को कैश आप पेमेंट करके विनीता जी से टिकट ले लीजिए। नितिन जी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया जी, बहुत बढ़िया लगा नितिन जी, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही शानदार लगा। तो सभी साथी जो हैं जितने भी यहाँ पर हैं सभी प्रोग्राम में जरूर आएंगे और बाकी के भी सभी साथी आएंगे। लंच विद ब्रांच मैनेजर भाई, 3-स्टार होटल में लंच आपको दे रहे हैं 3 पॉलिसी पर या तो 50,000 प्रीमियम पर, तो वही क्वालिफाई करो, आपके जो ब्रांच मैनेजर हैं 3-स्टार होटल में लंच दे रहे हैं, या तो 3 पॉलिसी करनी है या तो 50,000 का रेगुलर प्रीमियम करना है। लंच विद ऑनरिंग रहेगा 6 पॉलिसी या तो 1 लाख रेगुलर प्रीमियम पर, स्पेशल ऑनरिंग रहेगी आपकी 11 पॉलिसी या तो फिर 1.5 लाख प्रीमियम पर 11 से 18 फरवरी, यानी कि 11 और 12 जा चुके हैं। कल भी हमारे कुछ एक पॉलिसियां जमा हुई थी, परसों भी हुई थी, 11 और 12 को हुई थी, तो आप भी इसको फटाफट क्वालिफाई करें। आप में से किसकी किसकी इच्छा है कि हाँ ये बिल्कुल मेरे को ये क्वालिफाई करना है, मेरे को ये लंच विद जो हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं, अच्छा आपको करना, वेरी गुड बढ़िया, अपने हाथ उठा सकते हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं। तो किसको किसको क्वालिफाई करना है? हरिराम जी आपका हाथ नहीं उठ रहा, अच्छा वेरी गुड बहुत बढ़िया, वेरी गुड बढ़िया, ऑल द बेस्ट
आप जरूर क्वालिफाई करिए, फटाफट इसको क्वालिफाई करिए। मुझे भी करना है। ठीक है ठीक है आपको भी, ठीक है ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका हाथ मैंने देखा, बढ़िया। कपूर साहब का भी हाथ मेरे को आधा दिखाई दे रहा है, उनका हाथ कान तक आ रहा है लेकिन कान के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम कान तक उसको गिन लेते हैं कि उसके अंदर उनको पार्टिसिपेशन वाला जो है क्वालिफाई का। ठीक है कपूर साहब, ऑल द बेस्ट एंड विश ऑल द बेस्ट। आप इसको जरूर क्वालिफाई करें, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है, और इसको स्पेशल ऑनरिंग वाला आप क्वालिफाई करें, स्पेशल ऑनरिंग का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके लिए मिल्टन फ्रिज वाटर बॉटल आई हुई है 6 पॉलिसी पर, ये वाली कल हमारे राजेश कुमार शर्मा जी ने क्वालिफाई कर ली थी, 2 पॉलिसी जमा करके पॉलिसी नंबर लगा लिया था 12 से 19 फरवरी। और भी इसमें ढेर सारी चीजें हैं, इसके अंदर आपके पास कई सारी इन्होंने एक्स्ट्रा आपको मैंने भेजा है, आपको मिला होगा, आपने आपको मिला है, ठीक है बढ़िया। सो आपको जिसको भी मिला है अच्छी बात है, इसके अंदर पूरा का पूरा ये वाला बहुत ही शानदार ये वाला कंपटीशन निकाला हुआ है 2 पॉलिसीज पर, और एक यूलिप के ऊपर भी आप कर सकते हैं इसको क्वालिफाई, और करना चाहिए, मतलब ये काम की चीज है। इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी चीजें दे रहे हैं, इसके अंदर आपको दे रहे हैं 2 पॉलिसीज या तो एक यूनिट लिंक प्लान पर 6 मिल्टन की फ्रिज की वाटर बॉटल, डेट इसमें लिखी है 12 फरवरी से 19 फरवरी, और इसमें ये लिखा है कि भाई यदि हम 5 पॉलिसी करेंगे तो साथ में ये फ्रिज बॉटल भी है, मिल्टन का कैसरोल भी है, 9 पॉलिसी पर तीनों आइटम है, बॉटल्स एंड कैसरोल एंड ये जो बाउल है, ये तीनों आइटम अवेलेबल है। इसी तरह से 15 पॉलिसी पर ये लिखा है, इसमें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बढ़िया। तो इसके अंदर ये लिखा है कि फ्रिज बॉटल भी है, साथ में कैसरोल है, बोरोसिल का बाउल भी है, और ये 15 पॉलिसी ये बढ़ता जा रहा है भाई। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल पॉलिसीज पर जो है, तो पॉलिसीज पर जो जोर चल रहा है, तो उसकी वजह से ना यदि पैकेज वगैरह का कुछ ना कुछ यदि ऐसा कुछ हम सोचे ना, तो ऐसा ये पैकेज से ही थोड़ा सा आसान हो सकता है। एक्चुअली नंबर ऑफ लाइफ आप ढूंढे तो वो थोड़ा सा ज्यादा, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा काम है। पैकेज वगैरह के थ्रू जैसे रिटायर एंड एंजॉय का पैकेज है, मल्टी प्लान का पैकेज है, जैसे देवेश रावत जी बता रहे थे कि भाई वो एक ही घर में से 50 रुपए पर डे के अंदर आप तीन आपकी लाइफ हो जाएंगी। तो इस तरह जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे सुदामा जी कि भाई वो कल प्रोग्राम हमने 4:30 से 9:30 अटेंड किया देवेश जी का, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं। अभी हम 25 पॉलिसी पर, एक्चुअली हमको क्या लगता है यार 25 पॉलिसी मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा क्या होता है कि हम कंपटीशन जो भी आता है ना देखने के बाद, हम अपने आप को जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो हमारी ताकत जो है ना वो आधी चौथाई पता नहीं कितनी घट जाती है। सो सबसे पहले तो विश्वास अपने आप के अंदर रखना जरूरी है, कंपनी में रखना जरूरी है, अपनी जिंदगी में रखना जरूरी है, अपने परिवार में रखना जरूरी है, और हो जाता है। जब हम कोई काम को शुरू कर देते हैं तो वो काम हो जाता है। कई सारी चीजें काम की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी लग रही हैं। सो आप जरूर इसको क्वालिफाई करें, बड़ी अच्छी। आज भी थोड़ा सा मीटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हाँ मीटिंग्स कुछ आज बढ़ाई जा सकती है, कहीं कहीं मीटिंग करी जाती है, कर सकते हैं यदि हम कुछ लोगों को मिल सकते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो सकता है। ये कोई क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आसानी से हो सकता है, थोड़ा सा कोशिश करें तो हो सकता है। सो क्लेम क्लियरेंस डे मना रहे हैं। क्लेम क्लियरेंस डे क्या होता है ये? 15 फरवरी को स्पेशल डिवीजन ऑफिस की तरफ से क्लेम क्लियरेंस डे मनाया जा रहा है, और इसमें क्या होएगा कि आपका जो एसबी मैच्योरिटी के जो क्लेम है या जो एसबी मैच्योरिटी के क्लेम आप सबमिट करते हैं, तो 5 पर आपको इसके अंदर मेमेंटो मिलेगा। जो आपके जो ब्रांच में जो क्लेम डिपार्टमेंट की इंचार्ज है मीनाक्षी जी, तो वो कह रही है जी 5 के ऊपर आपको मेमेंटो देंगे। आपको लिस्ट मिली है कि नहीं मिली है? मैंने आपको लिस्ट भेजी है क्लेम्स की, मैंने आपको लिस्ट भेजी है। अच्छा, आप में से सभी साथियों के क्लेम तो है नहीं, कुछ के क्लेम्स हैं। क्लेम्स का मतलब है मनी बैक और मैच्योरिटी, दो चीजें, ठीक है ना। मेनली तो यही क्लेम डिपार्टमेंट का यही जोर रहता है, फटाफट हम मैच्योरिटी जिसके भी ड्यू है तो 4 महीने पहले कस्टमर को चिट्ठी चली जाती है, और मनी बैक और मैच्योरिटी दोनों की चिट्ठी जो है 4 महीने पहले चली जाती है। और यहाँ से जो पेमेंट होता है एलआईसी की तरफ से जो पेमेंट करना होता है 60 डेज पहले ये लोग पेमेंट का प्रोसेसिंग कर देते हैं। सो जितनी जल्दी पेपर जमा करें उतना अच्छा रहता है। आमतौर पे सोच क्या रहती है, चाहे तो कस्टमर की सोच रहती है या तो हमारी सोच रहती है, हमें कभी कभी क्या लगता है छोड़ना यार आज नहीं तो कल जमा कर लेंगे, मतलब हमें लगता है कोई बात नहीं ना, अभी जल्दी क्या है, अभी तो 1 महीना पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं, तो वो ना बहुत लंबा पड़ जाता है। तो ये सब लंबा पड़ने की बजाय हम मतलब
यदि इसमें तुरंत यदि कर लें तो ज्यादा अच्छा है, भाई कस्टमर का पैसा है, जितनी जल्दी मिले उतना अच्छा है, और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा, दोनों को ही अच्छा लगने वाला है। सो इसके अंदर ये आपके एक्चुअली हमारी टीम में अभी साथी जो इस समय यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने लिस्ट आपको भेजी है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी भेजी है, मैंने जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है वहां पर भी भेजी है, और अभी जो हमारे यहाँ पे इसमें कुछ ऑर्फन्स भी हैं, कपूर साहब के 3 हैं, कपूर साहब भी वो लिस्ट कपूर साहब के पास भी है, देख लीजिएगा आपका जो भी है ना वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जैसा भी जो भी अवेलेबल है तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे भी है तो वो अपना लिस्ट पूरा पूरा मैंने भेजा हुआ है, मतलब इसको स्पेशली यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक्चुअली सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैंने लिस्ट यहाँ पर दिखाई है कि भाई वो भेजी हुई है, थोड़ा सा उसको आप ध्यान कर लेना। और मैडम आ रही है अच्छी मैडम, यदि आप मनी बैग या मेच्योरिटी जमा करते हैं तो उसके ऊपर आपको मेमेंटो मिलेगा, 15 तक की रेट है, 15 तक यदि आप करते हैं तो आपकी एजेंसी के हों या किसी और की एजेंसी के हों, बस ध्यान ये रखिएगा कि फरवरी और मार्च की ड्यू डेट के होने चाहिए, तो अट्रैक्टिव मेमेंटो इसके अंदर मिलेगा। कपूर साहब भी कल मुझे बता रहे थे 6 इन्होंने किए हैं, राजेंद्र जी ने 8 किए हैं, प्रदीप जी के भी 6 हो गए हैं, बाकी साथी भी करें। आपके यदि क्लेम्स नहीं है, मान लीजिए आपका एक भी नहीं है, आप कोई ना कोई ऑर्फन क्लेम्स है उसको कर सकते हैं, तो इसको जरूर करें। क्लब मेंबर आप में से कौन कौन साथी बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्लब मेंबर तो बनना ही चाहिए, कौन कौन साथी का क्लब मेंबर बनने का इच्छा आपका बनना है? वेरी गुड, मेरी इच्छा या तो आपका जो क्लब है आपकी भी इच्छा है, वेरी गुड। तो क्लब मेंबरशिप बनने की आज की डेट में जो आखिरी दिन चल रहे हैं, मतलब 11वां महीना चल रहा है, तो आज के दिनों में यदि क्लब मेंबर बन गए तो बन गए, वरना मार्च एक बार टप गया तो उसके बाद तो क्लब मेंबर बनना पॉसिबल नहीं। हमारा तो आज के समय में, हाँ जी क्या हमारा भी नाम है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका नाम तो बिल्कुल है क्लब मेंबरशिप के अंदर, आपको बिल्कुल डेफिनेटली आप क्लब मेंबर बनेंगे। मैंने आपको लिस्ट भेजा है क्लब मेंबरशिप के अंदर किसका क्या क्या डिफरेंस है, क्या चल रहा है, तो क्लब मेंबरशिप का मुझे लगता है कि शायद आपने हो सकता है उसको देखा होगा। आपको क्लब मेंबरशिप का मैंने डिटेल जो भेजा था उसके अंदर आपको मिला कि नहीं मिला कि किसका किसका क्या है लाइफ का? जैसे मरीज जी है, 42 लाइव्स आ रही है मेरे ख्याल से, लैप्सेशन लाइव्स आ रही है 16, टोटल लाइव्स 127, और फर्स्ट ईयर कमीशन रिन्यूअल कमीशन तो हो जाता है, रिवाइवेबल जिनका रिवाइवल हो सकता है 108 है, तो इसी तरीके से मैंने बाकी सबका भेजा है। अब यहाँ पे जो साथी इस समय यहाँ पर अवेलेबल हैं, यदि उनमें से मैं किसी का यदि बताना चाहूँ तो रवि का मेरे ख्याल से शायद नेट लाइव 14 है, तो इसका मतलब ब्रांच मैनेजर का बनने में शायद आपको सिर्फ 1 लाइव और करेंगे तो हो जाएगा, लैप्स लाइव 2, टोटल लाइव 269, यानी कि डीएम क्लब मेंबर के बराबर, और फर्स्ट ईयर कमीशन रिन्यूअल कमीशन वो सब तो हो जाता है, रिवाइवेबल 49 पॉलिसी ऐसी है जिनका रिवाइवल करा देंगे तो आपकी टोटल लाइफ के अंदर ही काउंट हो जाएंगी। और सर मेरा बताइए प्लीज, धर्मेंद्र पाल का जी मैंने भेजा है आपको, आप थोड़ा नजर मारेंगे, यदि आप अपना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नजर मारेंगे तो आपका मैंने सारा कहा, जैसे कपूर साहब है हमारे, कपूर साहब की 9 लाइव आ रही है जी, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेजा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, आप तो ब्रांच में भी जब भी आते हैं तो आप उधर भी देख सकते हैं, विनीता के पीछे बैक साइड में जो कंप्यूटर लगा है आप क्लब एडवाइजर पे क्लिक करेंगे पूरा एजेंसी को सब कुछ आ जाएगा। रवि राज किशोर रेगुलर आते हैं, अपना हमेशा चेक करके जाते हैं, ट्रैक रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं तो ये सब चीजें पूरी हो जाती हैं, ध्यान नहीं रखते हैं तो ये पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कपूर साहब जैसे 9 लाइफ इनकी नेट है, टोटल लाइफ 222, रिवाइवल 19 ऐसे में जिनका रिवाइवल करेंगे तो ये भी क्लब मेंबरशिप में जुड़ेंगी, तो थोड़ा सा अब जैसे कपूर साहब का है 9 की जगह 15 पे ध्यान करेंगे तो ब्रांच मैनेजर क्लब के लिए क्वालिफाई हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान करने की जरूरत है, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं भी करेंगे तब भी यदि हमने मामूली मामूली सा थोड़ा थोड़ा ध्यान भी कर लिया तो बहुत कुछ क्वालिफाई हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान करना है सिर्फ थोड़ा सा, और यदि हमारी मीटिंग हो रही है तो फिर तो हमें थोड़ा भी ध्यान नहीं करना, यदि हमने सिर्फ ये हम यदि इतना ध्यान कर लेते हैं कि रोज का मैं यार कम से कम एक एक्स्ट्रा आदमी को मिलूं, यदि हमने सिर्फ इतना ध्यान कर लिया तो ना तो हमें क्लब मेंबरशिप का ध्यान करने की जरूरत है, ना तो एमटीआरटी का ध्यान करने की जरूरत है, ना तो किसी कंपटीशन का ध्यान करने की जरूरत है। क्यों नहीं ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि यदि हमारी रोज की 5 मीटिंग होती है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉम्पिटिशन क्वालिफाई हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सारे के सारे माइलस्टोन क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी टारगेट बना के चलते हैं। सिर्फ टारगेट बनाने में कई सारे एजेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, टारगेट तो बना लिया अभी उसके बदले में जो एफर्ट मेहनत चाहिए जो कोशिशें चाहिए वो नहीं है तो वो वैसे नहीं क्वालिफाई होता है, तो
थोड़ा सा उसका ध्यान रखें कि कम से कम उतनी एफर्ट भी होनी जरूरी है। नरेंद्र जी आपकी 14 नेट लाइक है इस साल की, 14 यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, एक बार चेक करना पड़ेगा एक्चुअल क्या है। रिवाइवेबल 59 है, 59 पॉलिसियां ऐसी हैं जिनका रिवाइवल हो सकता है, तो आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा सा देखेंगे वहां पर पूरा का पूरा डिटेल इसका अवेलेबल है। और सुदामा जी की नेट लाइफ अभी आ रही है जीरो, नेट लाइफ जीरो क्यों आ रही है? आप बोलोगे यार मैंने तो इतना सारा पॉलिसी किया था तो वो जीरो कैसे हो गई? तो सुदामा जी इसका जवाब ये है कि आपने जितनी भी करी थी उसमें से लैप्सेशन माइनस होता है। लैप्सेशन जो आपने पिछले साल करा था वो सारा का सारा लैप्सेशन इसमें से माइनस होता है। पिछले साल जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पॉलिसी करी थी वो सारी की सारी उनमें से कई सारी लैप्स हो गई, तो जितनी आपने इस साल करी उतनी ही पिछले साल वाली लैप्स हो गई, तो आपकी नेट लाइफ इस समय आ रही है जीरो। तो थोड़ा सा आप ध्यान करें, लैप्सेशन आपकी लैप्स लाइफ आ रही है सेवन, आपने इस साल करी सात, पिछले साल वाली सात लैप्स हो गई, तो आपकी नेट लाइफ हो गई है जीरो। ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर बनने के लिए सुदामा जी कम से कम आपको 50 लाइफ की जरूरत है, तो ये थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आपकी रिवाइवेबल 7 है जिनका रिवाइवल हो सकता है, किया जा सकता है, आप उनका यदि डिटेल आप चाहिए तो आप विनीता से भी ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, खुद भी यदि आएंगे तो पीछे जो विनीता के बैक साइड में जो कंप्यूटर लगा है उसमें सारा का सारा डिटेल आ रहा है, वो सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। कल सुबह मीनाक्षी मैडम अवेलेबल रहेंगी यहाँ पर, सुबह 11 बजे का टाइम उन्होंने हमको दिया है कि 11 बजे यहाँ पर आएंगी, थोड़ा सा आपको ब्लेसिंग करेंगे कि आप वो वाला क्वालिफाई जरूर करें, मनी बैक और मैच्योरिटी वाला जो कंपटीशन है मेमेंटो उसके अंदर आपको मिल रहा है, तो आप उसको क्वालिफाई जरूर करें। सो आप वहाँ पर जरूर कल 11 बजे के प्रोग्राम में, क्योंकि मैडम के पास सिर्फ 11 बजे का टाइम अवेलेबल था, तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब आपके पास टाइम अवेलेबल है भाई मैडम, मैडम हमारे पास आए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो आप कल 11 बजे का टाइम अलार्म जरूर लगा के रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी इच्छा है आने की लेकिन अब भी वो क्या हुआ ध्यान से उतर गया, या तो कभी कस्टमर के पास मीटिंग में गए वो पता लगा वो बिल्कुल बात करते करते वो सब निपट गया सारा, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अलार्म लगा दीजिए। मैं तो डेली अलार्म लगा देता हूँ, यदि आज का सुबह 8:30 का मीटिंग था मैंने 2 अलार्म लगा के रखे थे, 8:30 की जगह 1:15 बजे, 15:15 बजे क्या क्या करना है, 1:08 बजे, 8 बजे क्या क्या करना है, तो दो काम कुछ एक मतलब मीटिंग के लिए पहले तैयारी भी करनी होती है। तो इसी तरीके से आपको तो खैर इसके अंदर लंबी चौड़ी तैयारी करनी नहीं है, आपको तो सिर्फ शेयरिंग करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है, तो अभी थोड़ा सा अलार्म यदि लगा लेंगे तो आपका ना कभी भूलेगा नहीं, आप आसानी से यहाँ पर आ पाएंगे। आपको कैसा लगा आज यहाँ पर आप आए, इतनी सारी बातचीत हमारी हुई अलग अलग टॉपिक पे, इतना कुछ हमने डिस्कशन किया, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आप बताना चाहेंगे? माइक थोड़ा सा जरूर, एक दूसरे से सीखने को मिलता है सर। अच्छा अच्छा थैंक यू मनीष जी, और कुछ बढ़िया लगता है कनेक्ट रखते हैं सर। अच्छा अच्छा वेरी गुड बढ़िया, आप भी आए मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। और कुछ आपकी एक्टिविटीज के बारे में, कोई मीटिंग के बारे में बताना चाहेंगे, क्या मीटिंग रही कल रही, क्या क्या किस किस से मीटिंग रही, क्या क्या? एक आए थे रिवाइवल करवाने सर जी, तो मैंने बताया भाई इतना फीस है, तो अगर पॉलिसी करवाते हैं तो कोई फीस नहीं है जी, बोले सुकन्या वाली करवानी है तो पैसा आ गया था आपने 6,387 रुपए ब्रांच में ट्रांसफर किया था, वेरी गुड ऑल द बेस्ट, आपने पैसा ट्रांसफर किया, आपका जो आइडिया है वो कामयाब हुआ, पैसा आपका आ चुका है और बीओसी उसका बन जाएगा, बहुत बढ़िया। कैसी क्या जरूरत है, आप ट्रांसफर करो तुरंत, ये लो चेक लो पकड़ो, कैश की जरूरत नहीं, ठीक बात है। और सबसे बढ़िया सेफ तरीका ना कस्टमर ये सेफेस्ट तरीका सबसे बढ़िया, हां बिल्कुल ठीक बात है, सबसे सेफ तरीका यही है, बिल्कुल ठीक बात है, कस्टमर ये बोल सकता सोचूंगा या चेक अभी रुक जाना अभी मत डालना इतनी हां एक बार पैसा ट्रांसफर करने के बाद सोचने की गुंजाइश ही खत्म हो गई, बिल्कुल सोच नहीं सकते फिर तो साइकोलॉजी तैयार हो जाता है, हां भी अब तो ट्रांसफर हो गया तो कोई और नहीं है उसको जी ठीक बात। तो और और कुछ कल लगभग 50 लोगों को मैसेज भेजे जी, बढ़िया, और उनमें से एक का रिप्लाई आया तो आज उसके साथ मीटिंग है, और बढ़िया ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, और मेन फोकस यही है कि
टिकट साइज बढ़ाए, टिकट साइज बड़ा हो, इनकम बड़ी हो, और पॉलिसी भले ही कम बिके लेकिन अमाउंट बढ़िया आए, अमाउंट ज्यादा आए। ठीक बात है, एक आदमी से हजार हजार, हाँ ठीक बात है, 10 लोगों से हजार हजार रुपए कमाने की बजाय एक आदमी से 10,000 कमाना ज्यादा अच्छा है। सर, और मैं तो ये भी कहूंगा सर, जैसे मैं एक सिंगर को सुनना था तो नाम तो पता नहीं क्या है, कि अगर अपने जो गोल है तो इमोशन से जोड़ दें कि भाई कहीं बिल्डिंग में आग लगी है, वहां पे बच्चा फंसा है, तो बच्चे को बचाने के लिए आइडिया भी अपने आप आ जाएंगे, आदमी भी अपने आप ढूंढ लोगे क्या करना है, वो भी सब कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह गोल बड़ा है तो ट्रेनिंग कौन सी लेनी चाहिए ये भी आ जाएगा, कौन सा आइडिया अपनाना है, बिल्कुल ठीक है, आग लगानी जरूरी है। यस सर, कहाँ से कस्टमर ढूंढना है, क्या बोलना है, सब कुछ आ जाएगा अगर इमोशन के साथ जुड़ा हो गोल। ठीक बात है, तो मतलब आग लगाएं, सबसे पहले आग लगाएं, दिल के अंदर आग लगाएं, यहाँ पर दिल जो है दिल के अंदर आग लगा लीजिए। बिल्कुल सर, बढ़िया। और कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ और कोई भी साथी कुछ और बोलना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में क्या रहा? नितिन जी ने अपना नंबर भेज दिया है, आप चैट में देख सकते हैं, आप उनके नंबर पर भी 500 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो मुझे कर सकते हैं, या तो फिर विनीता जी को कैश पेमेंट करके आप ले सकते हैं, या तो विनीता जी भी शायद मुझे लगता है वो भी ट्रांसफर एक्सेप्ट कर लेंगी, तो आप ये टिकट उनसे ले सकते हैं, टिकट विनीता जी के पास है। और जी सुदामा जी, आपने माइक ऑन किया, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है सर, डेली आके ना ऐसा फील होता है जैसे सर आपने नई ताजगी भर दी हो, बहुत सर यहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अरे वाह, क्या ये ताजगी आपने भरी है, मैंने नहीं भरी है, ये सब लोगों ने मिलके मिलके कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इकट्ठा किया बस। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत सहयोग। और जी बढ़िया, और कुछ, और सभी साथी मौजूद हैं, कोई भी ये महसूस करता हूँ सर मैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी चीज को डेली कंटिन्यू रखना जी, और आपने ये रखा है सर जी। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में देख लेते हैं तो हमको लगता है कि हमने भी आप वाला जो बगीचा है उस वाले के अंदर मॉर्निंग वॉक कर लिया। वैसे मैं सुबह करके आ गया हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक सुबह करके आ गया हूँ, मैं सुबह 6 बजे गया था मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज अनुलोम विलोम कपालभाति सब कुछ मैं कर चुका हूँ वो सब तो, लेकिन आपके साथ में करके मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमने और कर लिया। बढ़िया, और कोई किसी का बताने को? जी बताए आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? हरिराम जी या तो नरेंद्र जी या तो देशराज कपूर जी या तो दिनेश जी या तो अजय कुमार मिश्रा जी। अजय जी आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जाम जो है बढ़िया तरीके से हुए। और अजय जी कभी कभी आप भी कुछ बोलेंगे, आप तो नए साथी हैं हमारी टीम के अंदर, अभी एजेंट के रूप में आपका जन्म होना बाकी है, अभी तो वो प्रिपरेशन टाइम चल रहा है, तो परसों अपना जो एग्जाम आप बढ़िया तरीके से करें और आप बाकी साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं, आपका क्या अनुभव रहता है हमें नहीं पता लगता है, थोड़ा सा यदि बताएंगे तो शायद हमको अच्छा लगे। अदरवाइज आज का जो प्रोग्राम है, मीटिंग्स कम से कम 1-2-3 मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करें, विश यू ऑल द बेस्ट, भगवान करे आज का दिन आपका शानदार रहे एंड बहुत बढ़िया रहे। बाय बाय, सी यू, गुड डे। कल सुबह 11 बजे मैडम मीनाक्षी रहेंगी आपको, कल वाले प्रोग्राम के अंदर संडे का दिन है, कल 11 बजे जरूर आइए, आज दफ्तर क्लोज है, कल मिलते हैं सुबह। बाय बाय, सी यू, बाय बाय।